नमस्कार, नौ की नौ खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां बेऊर जेल में छापेमारी हुई है। छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। बताया जा रहा है कि सरिया, रस्सी और कई सामान भी बरामद किए गए हैं। पिछले ढाई महीने में बिहार के सबसे बड़े जेल में चार बार छापेमारी हो चुकी है। 7 सितंबर को जब छापेमारी हुई थी, तब 3 मोबाइल और 2 चार्जर मिले थे। जेल के अंदर बंद अपराधी आपराधिक गिरोह चला रहे हैं। बिहार के सबसे बड़े जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। अब देखिए कब कब छापेमारी हुई और क्या क्या मिला, यह भी एक एक कर आपको तारीख दर तारीख बताते हैं। सबसे पहले तारीख 19 जुलाई, 2 स्क्रीन टच मोबाइल, 3 कीपैड मोबाइल यहां से बरामद हुए। 22 जुलाई को 1 स्मार्टफोन और 1 कीपैड मोबाइल बरामद किया गया। उसके बाद से तारीख आती है 24 जुलाई की। 24 जुलाई को 1 स्मार्टफोन और चार्जर जेल से बरामद किया जाता है। आगे 7 सितंबर की तारीख की तरफ बढ़ते हैं तो 3 मोबाइल और 2 चार्जर यहां से बरामद किया जाता है। तो पिछले 2 से 2.5 महीनों में ये 4 बार की छापेमारी और इन चारों तारीखों को कब क्या मिला वो हमने आपको बताया। अब देखिए, इस छापेमारी के बाद से आपत्तिजनक सामान मिलने के बाद से कई सवाल भी हैं और न्यूज 18 ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर कैसे जेल में आपत्तिजनक सामान मिल रहे हैं। और सवाल ये भी है कि जेल में कैदियों तक मोबाइल कैसे पहुंच पा रहा है। और सवाल ये भी कि चेकिंग पॉइंट पर आखिर किसने सेंध लगाई। तो ये सवाल है क्योंकि 4 छापेमारी अब तक हो चुकी है और हर बार कुछ ना कुछ आपत्तिजनक सामान यहां से मिले हैं। और जो एक बार फिर से छापेमारी की गई है, यहां भी आपत्तिजनक सामान मिले हैं। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, बड़ा जेल बेऊर जेल, और ऐसे में 2 से 2.5 महीनों की छापेमारी होती है, 4 बार छापेमारी होती है और हर बार कुछ ना कुछ आपत्तिजनक सामान मिलते हैं। एक बार फिर से एक बड़ा सवाल इस जेल की व्यवस्था पर। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार का सबसे बड़ा जेल है और बेऊर जेल में 2.5 महीने में 4 बार छापेमारी की गई। 19 जुलाई को, 22 जुलाई को, 24 जुलाई को और फिर 7 सितंबर को। और 7 सितंबर को भी जब छापेमारी की गई तो 3 मोबाइल और 2 चार्जर मिले हैं। 19 जुलाई को भी जब छापेमारी की गई तब आपत्तिजनक सामान मिले, मोबाइल मिले। 22 जुलाई को 1 स्मार्टफोन और 1 कीपैड मिला। 24 जुलाई को 1 स्मार्टफोन और चार्जर मिला। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार वहां पर छापेमारी हो रही है और लूप फॉल दिख रहा है। तो सवाल यही है कि बेऊर जेल के अंदर मोबाइल आ कहां से जा रहा है। गेट पर सघन तलाशी ली जाती है, जो कैदी कोर्ट जाते हैं उनके साथ पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। तो ये जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंच रहा है? कई बार आपने देखा होगा राहुल कि पटना पुलिस हो या विभिन्न जिलों की पुलिस हो या फिर विभिन्न राज्यों की पुलिस हो, वो खुलासा करती है कि बेऊर जेल के अंदर जो क्रिमिनल है वो जो गैंग है वो चला रहे हैं और बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चाहे वो सोने की लूट हो, चाहे वो हत्या की वारदात हो, तमाम तरह के जो सवाल है वो उठ खड़े होते हैं। तो ऐसे में जो कारशैली है उस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। इसमें प्रॉम्प्टली एक्शन लेना होगा। कई तरह के जो एक्शन है वो लेने के बाद जो जेल के अंदर कैसे मोबाइल पहुंचना है इसको लेकर दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने होगी। एक्शन लेकर ही इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। राहुल, संजय आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर वापस आपके पास आ रहे हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर पटना से है, जहां पटना सिटी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। चेन स्नेचिंग का विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पार्टी का मंडल अध्यक्ष मुन्ना शर्मा रह चुके हैं। 3 बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। चौक थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। हमारे साथ संजय न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कार्रवाई? देखिए राहुल, सीसीटीवी फुटेज है और सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में चौंकाती हैं। क्योंकि पेट्रोलिंग का आप दावा करते हैं कि राजधानी पटना में सघन पेट्रोलिंग होती है और ये सुबह 6:15 बजे की घटना है। 6:15 बजे तक पेट्रोलिंग गश्ती जो है वो गश्ती सड़कों पर रहती है हर थाना क्षेत्र में। ये आदेश है पुलिस मुख्यालय का। और ऐसे में एक शख्स जो पुलिस जो यहाँ पर मंडल अध्यक्ष रह चुका है, बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता है, वो बैठा हुआ है। टहलने के लिए वो निकले थे, वो बैठे हुए थे और इसी दौरान अपराधी बाइक से पहुंचते हैं और बाइक से पहुंचने के बाद उनको टारगेट करते हैं, उन्हें गोली मार देते हैं।
और उसके बाद जब परिजन को जानकारी मिलती है, परिजन उनके पास पहुंचते, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो एक बड़ा सवाल है वाकई में, किस तरीके से पटना में पेट्रोलिंग चलता है, किस तरीके से अपराधी जो है वो वारदात को अंजाम देते हैं। शायद उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है और यही कारण है कि बेहिचक इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर वो चलते बनते हैं। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज संभाल रही है ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी पटना में एक बड़ी वारदात। राहुल चलिए बिल्कुल संजय शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। इनका नाम मुन्ना शर्मा था, जिन्हें आपराधिक तत्वों द्वारा जख्मी कर दिया गया है और जिन्हें उनके परिजन अस्पताल ले गए जहां उनके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है तथा अन्य तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। घटना के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बेतिया से बड़ी खबर है जहां शिक्षकों से भरी नाव गंडक नदी में पलट गई। 15 शिक्षक नाव से दियारा जा रहे थे, सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। बैरिया के पटजिरवा घाट पर यह हादसा हो गया है। तो बेतिया से बड़ी खबर जहां गंडक नदी में नाव पलट गई और इस नाव पर शिक्षक सवार थे। 15 शिक्षक नाव से दियारा जा रहे थे, सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। ये राहत वाली खबर है। बैरिया के पटजिरवा घाट पर यह हादसा हो गया है। तो शिक्षकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, शिक्षक सुरक्षित हैं। में लगा और उसके बाद फाइनली क्या है कि सारे जो लेडी है वो क्रिटिकल कंडीशन में है, सारी की वोमिटिंग हो रहा है, वो लोग सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन अभी भी किसी भी अधिकारी के तरफ से कंफर्मेशन के लिए कोई जांच के लिए कोई मैसेज नहीं आया, ना किसी ने हम लोगों का जायजा लिया, ना हाल जानने की कोशिश। ना हम तो निकल गए रहिए, सब कुछ ठीक बा। और फोन लाइन पर न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना, क्या ये शिक्षक पढ़ाने वगैरह जा रहे थे, किस तरीके से कब ये घटना हुई, कैसे हैं शिक्षक? बेतिया के जिला मुख्यालय से शिक्षकों की एक टोली दियरा के विभिन्न स्कूलों तक जाती है और प्रतिदिन चूंकि अटेंडेंस बनाने की उनकी मजबूरी है और वहां पहुंचने की भी मजबूरी है। इसी के साथ एक शिक्षकों का दल 15 शिक्षक बताए गए हैं जो पटजिरवा, जो बैरिया के पटजिरवा घाट से ये लोग प्रतिदिन नाव के सहारे स्कूल जाते हैं। तो जैसे इन शिक्षकों को लेकर यह नाव जाती है, अचानक दूसरे नाव से टकराकर असंतुलित हो जाती है और नाव वहीं पलट जाती है। हालांकि स्थानीय लोगों ने हो हल्ला के बाद रेस्क्यू किया है और राहत की बात यह है कि सभी 15 शिक्षकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और फिलहाल किसी के डूबने की खबर नहीं है। लेकिन शिक्षकों ने घटना के बाद नाराजगी जाहिर की है और जिला प्रशासन के स्तर से अभी तक वहाँ स्थानीय स्तर पर कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई है। सरकार का तमाम आदेश जारी हुआ था, तमाम शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर मापदंड निर्धारित किए गए थे, लेकिन ग्राउंड की बात करें तो अभी तक उस घाट पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद यह हादसा सामने आया है। फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है और जो शिक्षक है वो भी फिलहाल वहीं बने हुए हैं। कई शिक्षकों के आंशिक रूप से बीमार होने की बात भी सामने आई है। तो फिलहाल अपडेट यही है कि 15 शिक्षक जो नदी में डूबे थे, सभी के शिक्षकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जी चलिए शुक्रिया मुन्ना इस अपडेट के लिए आपका। हजारीबाग से बड़ी खबर है जहां फिर सामने धर्मांतरण का मामला आया है। सत्संग के नाम पर चंगाई सभा की बात कही जा रही है, हिंदू महिलाओं को ईसाई बनाने का आरोप है। स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। इचाक के असिया गांव में धर्मांतरण का यह मामला सामने आया है। इचाक के असिया गांव में सत्संग के नाम पर चंगाई सभा चल रहा था। भोली भाली हिंदू महिलाओं को बहला फुसला कर उनके साथ धर्मांतरण किया जा रहा था, उस गंदे खेल को किया जा रहा था। स्थानीय ग्रामीण और धर्मांतरण करने वाले लोग के बीच नोकझोंक की भी खबर है। बता दें कि झारखंड में आदिवासी और हिंदुओं के धर्मांतरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पैसे का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ताजा मामला अब हजारीबाग के इचाक प्रखंड से सामने आया है, जहां सत्संग सभा के नाम पर चंगाई सभा की जा रही थी और इसी सभा में लोगों को ईसाई बनाने का खेल चल रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि असिया गांव में सुनीता भारती, सुधीर कुमार और उसके सहयोगी सनातन के नाम पर सत्संग कर रहे थे, जिसमें दर्जनों गांव की महिला आई थी और बंद कमरे में धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया जा रहा था। इसी को लेकर स्थानीय और गांव वालों के बीच नोकझोंक भी हुई। धर्मांतरण को लेकर गांव वालों में काफी नाराजगी है और उन्होंने इस पर शिकायत दर्ज करने की भी बात कही है। सनातन परमेश्वर का हमेशा हम लोग आराधना पूजा करते हैं,
ठीक है ना, और आप लोग आए डायरेक्ट आकर के धक्का मुक्की करना शुरू कर दिए। ये धक्का मुक्की आप लोग को आना चाहिए था, प्रथम में आकर के बात विचार करना चाहिए था। क्यों तो एक व्यक्ति भी शैतान से परेशान है, ग्रस्त है, उस व्यक्ति जब भी आता है करिया पूछता है, जब भी आता है यहाँ पर आने समय बिल्कुल ठीक रहता है, जब भी आता है, जब भी हम लोग पूजा अर्चना प्रार्थना विनती भजन करते हैं वो शैतान परेशान हो जाता है। आप लोग आए और बिना पूछे बिना ये किए सब कुछ आप लोग धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, ये कहाँ का नियम है आप लोग का? चंगा, जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसको परमेश्वर ठीक करते हैं। तो हम लोग जानने का प्रयास किए कि दुख दर्द कैसे ठीक होता है। वो लोग बता रही थी कि हमारे घर में इस तरह का समस्या आता है, धन से जुड़ा हुआ, पैसा से जुड़ा हुआ, तो ये लोग हम लोग को मदद करते हैं। तो बोले उसके बदले में आप लोग क्या चीज करते हैं? उसके बदले में हम लोग को बताया जाता है कि आप आइए यहाँ पे सत्संग के माध्यम से, और सत्संग के माध्यम से आने के बाद धीरे धीरे हम लोग को बताया जाता है कि इन्हें प्रसाद नहीं खाना है, पूजा नहीं करना है, छठ में नहीं जाना है, ये सब घटना है। तो हम लोग उन महिलाओं को समझाने का प्रयास किए, ये हिंदू धर्म में कहीं नहीं बताया गया है कि आप छठ मत कीजिए, आप प्रसाद मत खाइए। पिता परमेश्वर के नाम पर यहाँ चंगाई सभा चलाई जा रही है और लोगों को झूठा प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप मेरे पास आइए आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, यदि निसंतान है तो आपको संतान हो जाएगा। जब हम लोग को ये पता चला तो हम लोग आज असिया गांव में पहुंचे हुए हैं और जो संचालन कर रहे हैं करते हैं उनसे हम लोग ने बातचीत किया है, और बातचीत करने के बाद यहाँ के ग्रामीणों का भी बहुत सहयोग रहा है। वो बंद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो, इस तरह का आडंबर जो फैलाया जा रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ जो आडंबर चल रही है पूरे इचाक प्रखंड में, उसको खत्म करवाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हजारीबाग के इचाक प्रखंड अंतर्गत कई गांवों में धर्मांतरण के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो देखिए, हजारीबाग का जो यह असिया गांव है और यहां पर जो है सत्संग के नाम पर चंगाई सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 50 से भी अधिक जो महिलाएं और पुरुष है वो शामिल हुई थी। जब इसकी जानकारी जो है स्थानीय लोगों को, सनातन परिवार को मिली, उसके बाद जो है कुछ लोगों ने जाकर समझाने बुझाने का काम किया, उसके बाद जो है आपस में वे सभी जो है उलझ गए हैं। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पे जो है लगभग 5 वर्षों से भी अधिक से जो है चंगाई सभा का आयोजन किया जाता रहा है। जब भी इसकी विरोध होती है तो आपस में लोग उलझ जाते हैं, लेकिन गौरतलब देखने वाली बात यह होगी कि आए दिन जो है धर्मांतरण के मामले इस क्षेत्र में लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। लोगों को जो है वो सीधी सादी महिलाओं को टारगेट में लिया जाता है और उसे जो है धर्मांतरित किए जाते हैं। लेकिन अब देखने वाली यह भी बात होगी कि इसको लेकर जो सख्त कानून बने हैं यह कब तक जो है वो लागू हो पाता है, धर्मांतरण करवा रहे हैं वैसे लोगों पर कब तक कार्रवाई हो पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। तो देखिए, स्थानीय लोग विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों का ये काम, जहां पर धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, लोभ लालच दिया जा रहा है, और ऐसे में इसी बात को लेकर के हंगामा हो रहा है। सवाल ये भी है कि लगातार इस तरीके की सभाएं, चंगाई सभाएं क्यों लगाई जाती है? क्या इसको कोई देखने वाला नहीं है? क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो भोली भाली महिलाओं को यहां बुलाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए इसमें लोग होते हैं, बहाने कई होते हैं और यहां पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन देखिए, इस बात का लगातार लोग विरोध भी कर रहे हैं। उनके घर की भी कुछ महिलाएं गई हुई हैं, आसपास की महिलाएं गई हुई हैं, और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण ना करवाएं। सुशांत सोनी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। सुशांत, बार बार इसे चंगाई सभा ईसाई मिशनरीज की तरफ से किया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, इस पर भी एक बड़ा सवाल है, पूरा मामला क्या सामने आया हजारीबाग में? मामला सामने आया हुआ, अगर इस मामले हम बात कर ले तो देखिए, पिछले दिन जिस तरीके से हजारीबाग के उसी चाक प्रखंड क्षेत्र में, जहां 100 से भी अधिक महिलाओं को घर वापसी कराई गई थी, वहीं से मत कुछ ही मतलब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव में जो है वो चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। जब लोगों ने वहां जाने का प्रयास किया तो पता चला कि जो भोली भाली महिलाएं हैं उनको सत्संग के नाम पर वहां पर बुलाया जाता था और वहां पर जो है चंगाई सभा करवाया जाता था। यानी अगर पूरी तरीके से अगर यह देखा जाए तो एक तरीके से बीमारी दूर करने का वो भ्रम फैलाई जा रही थी, अंधविश्वास फैलाई जा रही थी, और जो काफी समय से जो है उस सभा में शामिल हो रहे थे उन लोगों का ब्रेन वॉश कर जो है उन्हें जो है प्रलोभन दिया जा रहा था कि आप उनको जो है एक निश्चित रकम तय किए गए थे कि अगर आप इतने रकम देते हैं उनको जो है वो दिया जाएगा, उसके बाद जो है इसकी प्रचार और अन्य जगहों पर करेंगे। मतलब अगर तरीके से देखा जाए तो ये मिशनरियों का एक साजिश है, इसे जो एक सनातन धर्म को तोड़ा जाए, तोड़ने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है उनकी एक क्षेत्र में जो है वो पकड़ बने और हर जगह इस तरीके से सभा चलाई जाए। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ इचाक प्रखंड क्षेत्र में ही चल रहा है, बल्कि इसके अलावा पदमा का एक अडार गांव पड़ता है,
है, वहां पे भी एक बड़ी जो है वो चंगाई सभा चलाई जाती है, जहां पर बताया जाता है कि एक बार में 500 से भी अधिक जो है वो महिला और पुरुष वहां पे शामिल होते हैं। इसके साथ ही जो है कटकम सांडी प्रखंड क्षेत्र के भी जो है कई जगहों पर चल रहे हैं, तो मतलब कह सकते हैं कि हजारीबाग के कई जो है सुदूरवर्ती इलाकों में जो है यह चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर जो है इन दिनों देखा जा रहा है कि जो हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो कई संगठन के जो लोग हैं, वो सामने आ रहे हैं और इस पर जो है लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए आपका। छपरा से बड़ी खबर, जहां पुलिस की गिरफ्त में फर्जी डॉक्टर आ गया है। यूट्यूब देखकर इसने पथरी का ऑपरेशन किया था, गरखा से इसकी गिरफ्तारी हुई है। अजीत कुमार पूरी इसका नाम इस फर्जी डॉक्टर का बताया जा रहा है। गलत इलाज से युवक की मौत हुई थी, सारण पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि यूट्यूब देखकर ये पत्रिका इसने ऑपरेशन किया था और इसी मामले में गरखा से अजीत कुमार पूरी की गिरफ्तारी हुई है। गलत इलाज से युवक की मौत हो गई थी, सारण पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बाढ़ का सीएम नीतीश कुमार आज बड़ी सौगात देंगे। बेलछी प्रखंड और अंचल ऑफिस आवासीय भवन का सीएम सोमवार को उद्घाटन करेंगे। सीएम हेलीकॉप्टर से बख्तियारपुर पहुंचेंगे, जहां वे बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन रेलवे ब्रिज कार्य का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम अथमलगोला के करचान ताजपुर सेतु निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। बेलछी में सीएम 20,45,00,000 की लागत से बने ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। मोकामा के हाथीदह में गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन के का जायजा लेने के बाद मराची पीएससी के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से पटना लौट आएंगे। जगह एक ही कार्यालय में जो इस क्षेत्र के जनता आएंगे उनका सारा कार्य होगा, ये तो बहुत खुशी की बात है। और इनका माननीय मुख्यमंत्री जी का ये तो कर्मस्थल रहा है, वार्ड लोकसभा के अंतर्गत जो बेलछी ब्लॉक आता है वो कर्मस्थल रहा है। तो हम भी तो क्षेत्रीय हैं, तो हमारे लिए भी हर्ष की बात है, खुशी की बात है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री की जितनी भी सराहना की जाए और वो कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 30 क्षेत्र मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, जो यहाँ नेशनल दो दो कार्यक्रम चल रहा है, एक 6 लेन सड़क का निर्माण और 2 लेन रेलवे लाइन का निर्माण गंगा में ब्रिज बन रहा है। वो मुख्यमंत्री उसकी अवलोकन करेंगे कि वह अद्यतन आज किस स्थिति में है, कब तक वह बिहार सरकार को हैंड ओवर करेगा, इसकी गति को देखने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने आरक्षण के सवाल पर लालू प्रसाद को घेरा और कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए व्याकुल हैं। सांसद ने कहा कि लालू प्रसाद सिर्फ वोट के लिए जाति और आरक्षण का खेल खेल रहे हैं, जबकि बिहार की जनता सब जानती है लालू प्रसाद के शासनकाल को जनता अभी भूली नहीं है। उनको गरीब के उत्थान से कोई लेना देना नहीं, स्वयं और परिवार के उत्थान के लिए ही ये पूरी जिंदगी कट गई, आधा अंदर आधा बाहर। अब अंतिम मौका उनको लग रहा है कि हम अपने पुत्र को किसी तरह से मुख्यमंत्री बना लें और ये वही विषमता पैदा करना चाह रहे हैं जो अपने कालखंड में किया था। लेकिन लोग जागृत हैं, बिहार में आप देख ही रहे हैं कि जो गत लोकसभा चुनाव हुए इतना दुष्प्रचार और कुप्रचार, सामाजिक उथल पुथल करने का जो सुनियोजित रचना रचे, उसके बावजूद भी एनडीए को 30 सीट यहाँ 40 मिला है। मुंगेर में नगर परिषद हवेली खड़गपुर का भवन बने 1 साल भी नहीं हुआ, भवन जर्जर होने लगा। बिल्डिंग में कई जगह से दरारें दिख रही हैं। इस भवन में छोटे बड़े कुल मिलाकर 10 कमरे हैं, जिसे बुडको ने 1,56,00,000 की लागत से बनवाया था। जुलाई 2023 में इस भवन का हैंडओवर मिला, लेकिन उद्घाटन से पहले ही भवन में दरारें पड़ गईं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।